प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से की आर्थिक सहायता की मांग। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक आपातकालीन बैठक भवानीपुर स्थित मॉडर्न वैभव पब्लिक स्कूल में रविवार को आयोजित की गई। कोरोना महामारी को लेकर 12 अप्रैल तक स्कूलों की बंदी को लेकर एसोसिएशन ने नाराजगी व्यक्त किया है। बैठक में सदस्यों ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि विगत एक वर्ष से लॉकडाउन रहने के कारण स्कूल बंद होने के कगार पर आ गए हैं। कोरोना काल में छोटे स्कूल पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ऐसी स्थिति में सरकार को निजी स्कूलों की सहायता करनी चाहिए ताकि स्कूलों के बंद रहने की स्थिति में भी शिक्षकों को वेतन दिया जा सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर सरकार उन लोगों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो वे लोग संघर्ष करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के संचालक पंकज कुमार, विश्वास झा, अनुज कुमार, कौशल किशोर शर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। बिहपुर को हरा नवगछिया ने किया BCC क्रिकेट क्लब की ट्रॉफी पर कब्जा। रंगरा में चल रहे T20 भगवती क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में रविवार को MBCC नवगछिया ने BCC बिहपुर को 14 रनों से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। MBCC नवगछिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 258 रनों का स्कोर खड़ा किया। दूसरी पारी में BCC बिहपुर की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन 244 रनों पर ही पूरी टीम सिमट गई। मैन ऑफ द मैच 37 गेंद पर 102 रन बनाने वाले नवगछिया टीम के राकेश को दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार बिहपुर के देवाशीष को घोषित किया गया। विजेता ट्रॉफी गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने विजेता टीम को दिया, तो ग्लोबल स्पोर्ट्स के चेयरमैन पंकज ठाकुर ने उपविजेता टीम बिहपुर को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। आयोजन को सफल बनाने में गांव के युवाओं की प्रशंसनीय भूमिका रही है। शेखा हत्याकांड में साक्ष्यों को जुटाने पहुंचा खोजी कुत्ता। रंगरा में हुए शेखा हत्याकांड में घटना से संदर्भित विभिन्न तरह के साक्ष्यों को जुटाने के लिए पुलिस स्तर से डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया था। जानकारी के अनुसार खोजी कुत्ता घटना स्थल से 100 मीटर के दायरे में ही इर्द गिर्द मंडराता रहा। जानकारी मिली है कि पुलिस को इस कांड में कई तरह के महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस शेखा के कथित प्रेमी की भी तलाश कर रही है। मालूम हो कि 4 दिनों से लापता शेखा का क्षत विक्षत शव मकई खेत से बरामद किया गया था। मालूम हो कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति इस्माइलपुर लक्ष्मीपुर निवासी गोपाल मंडल को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रंगरा में 23 लोगों से पुलिस ने वसूल किया ₹1150 जुर्माना। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर रविवार को सघनता पूर्वक मास्क जांच अभियान चलाया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 23 लोगों से ₹1150 जुर्माना वसूल किया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि रविवार को भवानीपुर टावर चौक, रंगरा चौक और थाना चौक पर मास्क जाँच अभियान चलाया गया था।